अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, कहाँ पर, फैमिली फ्रेंड्स के इवेंट जो कि वलीमा का रिसेप्शन इवेंट है, और मैं कोर्ट यार्ड वेन्यू भादराबाद में आई हुई हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हॉल है, के खाने बड़े ज़बरदस्त थे, तो मैं सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलें वीडियो देखते हैं, एंड तक देखिएगा, ठीक है, इन्जॉय करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और उनके खाने इतने मज़े के थे कि दिल करते है खाते रहो बस। मैंने ऐसे खाने किसी शादी में नहीं खाए। ये देखिए, ये कोर्टयार्ड वेन्यू का जो हॉल है, ये इतना ब्यूटीफुल है कि मैं आपको टिप देती हूँ उससे कि आप कम लोग बुलाएं लेकिन हॉल और खाना अच्छा रखें तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोग को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने टेबल में, हर टेबल में इन्होंने मेन्यू रखी हुई थी। फ्रेश ऑरेंजेस जूस मिल रहे थे, मिंट लेमनेड, मोरक्कन कबाब, लाहौरी फ्राइड फिश, चिकन मलाई, मुगलाई, एवरी थिंग वॉज अवेलेबल। एंड उनके मीठे में था क्रंच कुल्फ़ा और गाजर का हलवा, कढ़ाई, मटन बिरयानी, बहुत कुछ था। एंड इट वॉज सुपर्ब इवेंट आई हैव सीन। ठीक है, ये मैं आपको इनका हॉल दिखाती हूँ। ये कोर्ट यार्ड में इन्होंने अपना एक साइट सेटअप बनाया हुआ है, साइट पे इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में, इस हॉल के बारे में। लुक एट द हॉल एंड लुक एट द डेकोरेशंस दे हैव क्रिएटेड फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम, और बड़ा अच्छा रहा। और ऐसे हॉल्स में जाने के लिए तो इंसान वो हो जाता है कि देखो तो सही अंदर से कैसा है। ये देखिए इनका सेटअप देखिए, ज़रा फ्लावर्स के साथ, अब पीछे पानी है और इन्होंने सेटअप किया है, लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। और बहुत अच्छी सिटिंग प्लान्स हुई हुई थी, दोनों तरफ उन्होंने खाने रखे थे, राइट साइड में भी लेफ़्ट साइड में भी, क्योंकि लड़के वाले लड़की वाले सब राइट और लेफ़्ट में बैठते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा ईजी हो गया था मैनेज करना, क्योंकि लोग भी कम थे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग कम बनाते हैं तो खाने और जगह अच्छी होती है। तो ये देखिए, सलाद से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेन्यू हमारे सैलड्स थे, हर किस्म के सैलड्स थे, बहुत मज़े की थी। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर गाजर का हलवा और क्रंच कुल्फ़ा मिलता है। क्रंच कुल्फ़ा के मैं बनाना भूल गई, सॉरी, एंड पे आपको दिखाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं साथ में। और आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर मटन बिरयानी मिली सबसे पहले, और इसके बाद जो है ये मोरक्कन कबाब, वो सो डिलीशियस कि ये मैंने पहली बार खाई है और बहुत मज़े की थी। ये आप लोग रख सकते हैं अपने इवेंट में। लाहौरी फिट फ्राइड फिश थी, चिप्स के साथ अवेलेबल थी, और बहुत ही मज़े की थी। मसाला फ्राइज थे, मसाला मतलब लाहौरी फ्राइड फिश थी, ये वाइट हांडी है, चिकन हांडी, ये भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर चलते हैं, नान वगैरह का सेटअप है, नान है यहाँ पर, गार्लिक नान है, और यहाँ पर है आपकी मटन कढ़ाई जो कि बहुत बहुत मज़े की थी। ये मेरा टेबल है और ये मेरा प्लेट है, मैं बस इतना ही सही खाती हूँ क्योंकि मुझे इतना खाया ही नहीं जाता, जितना खाया जाता है मैं उतना लेती हूँ। सो बहुत इन्जॉय किया मैंने, आई होप आप लोग वीडियोज़ इन्जॉय कर रहे होंगे, आप लोग को टिप मिली होगी। और ये एंड में मैं आपको दिखा रही हूँ कुल्फ़ी, हम क्रंच कुल्फ़ा खा रहे हैं क्योंकि हमारा खाना हो गया था। अब बारी आती है स्वीट डिश की। गाजर का हलवा मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था लेकिन मुझे क्रंच कुल्फ़ा ज़्यादा पसंद है। सो हम ये डाल रहे थे फालूदा के साथ और हम सर्व करेंगे अपने आप को और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गाजर का हलवा भी था, ठीक है, स्वीट डिश में। और जो हस्बैंड थे वो कुल्फ़ा, वो जो फालूदा है उसका निकाल रहे थे अपने डिश में। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं, कम लोग रखें, खाना अच्छा रखें, हॉल अच्छा रखें और इंजॉय करें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।